हेलो, मैं डॉक्टर मधुरा जोशी आज आपको बताऊंगी कि इलास्टोक्रेप बैंडेज कैसे बांधा जाता है। जब आप इलास्टोक्रेप बैंडेज बाय करेंगे तभी चेक कर लेना कि उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर है। जब पैरों में सूजन होगी तब पूरी रात पैर ऊंचे रखने हैं और सुबह जब पूरी सूजन उतर जाएगी उसके बाद ये इलास्टोक्रेप बैंडेज बांधना है और पूरे दिन बैंडेज रखना है। इससे पैरों में वापस दिन भर सूजन नहीं आएगी। ये इलास्टोक्रेप बैंडेज बांधने का एक तरीका है। स्टार्ट करेंगे पैर के इस हिस्से से, तो पहला लेयर आएगा यहाँ पे और इसको थोड़ा टाइट करना है। इसके बाद जो लेयर लेंगे वो बैंडेज का ये पूरे पोर्शन के आधे हिस्से को कवर करना चाहिए और उसके साथ एड़ी को भी कवर करना चाहिए। तो दूसरा लेयर लेंगे ऐसे और इसी तरह से वापस एड़ी को कवर करके बैंडेज ऊपर तक बांध सकते हैं। हर टाइम नया लेयर लेने के टाइम ये बैंडेज का आधा हिस्सा कवर हो, प्रीवियस लेयर का आधा हिस्सा कवर होना चाहिए और जहां तक सूजन है वहां तक आप ऊपर बैंडेज बांध सकते हैं। बैंडेज के साथ में जो क्लिप्स आती है ये क्लिप्स उसमें लगानी है। काफी बार ये क्लिप्स टूट जाती है या मिसप्लेस हो जाती है, तो जो स्टिकिंग प्लास्टर आता है उसका इस्तेमाल करके ये आप स्टिक कर सकते हैं। जब पूरा दिन बैंडेज बांध के रखेंगे और घर के घर में ही मूव करते रहेंगे तो बैंडेज के ऊपर सॉक्स पहनने हैं, इससे बैंडेज खराब नहीं होगा। ये बैंडेज जब गंदा हो जाएगा तो उसको वॉश करने के लिए उसको सिर्फ साबुन के पानी में ऐसे डुबाना है और उसको इस तरह से निचोड़ना नहीं है, इससे इलास्टिक खराब हो जाएगा। और उसके बाद में उसको सिर्फ ऐसे हल्के से स्क्वीज करना है और मैक्सिमम पानी निकालना है और उसके बाद में एक फ्लैट सरफेस पे उसको सूखने के लिए रख देना है।